अस्सलाम वालेकुम, खबरजार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफताब इकबाल। खातिन हजरात, शो का आगाज करते हैं सियासी गर्म हमाम से। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, की हाल ठीक हो? आपका क्या हाल है भाई जी? की हाल है जनाब आफताब साहब? आपका क्या हाल है जनाब? दसी है आफताब साहब, कारोबार है कोई नहीं, लोकी ना को कटिंग कराउन आ रहा, ना कोई शेव कराउन। कितने दिन हो गए चूल्हा बंद पे, एक देख नहीं पकाई। क्या वजह क्या है? लोगों को पैसा ही है नहीं, कट्टा तब्दीली आई है, कहते भी तब्दीली आ गई, साडे लिए तब्दीली है, भुखे मरन रहे हैं। ये हैट वाले साहब कौन है? ये हजूर एक पुराने सहाफी है, ना इन्होंने आज तक कटिंग कराई है, ना शेव कराई, अखबार पढ़ते हैं तो निकल जाते बात। अच्छा, साथ बैठा हुआ है वो जागो, क्या हाल है आफ्ताब साहब? आप बड़े नमाक से अखबार पढ़ रहे हैं, क्या खबरें? बस सर ऐसी खार कर रहे हैं पीटीआई को, अभी शिकायतें लगाते फिरते हैं। आपके ख्याल में पीटीआई ठीक कर रही है काम? आप देखते जाएं होता क्या है, ये बेसब्री कौम है, इन्हें संजीदगी से ना लें। यानी वो तब्दीली जिसके आप दाई थे वो आ चुकी है? जनाब तब्दीली एकदम नहीं आती, अभी तब्दीली की तय लिखी हमने और सबने फुदकना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह, पता है ना, हथौला रखो। तो ऐसी गल इधर ना करना, पैसा पूसा पहले कोई नहीं है, मेरी दुकानदारी पांदली पागल आदमी है। हाँ जी, हुण की होया यार? छोटी लाची मिल जाएगी, हलवा पकाना अंदर। यार ये अभी तक यही है। और थोन मैं गल दस दवा, हमाम ना रिलेटेड कोई चीज नहीं मंगता। लाची मंगी जांदा, सूजी मंगी जांदा, और ता होर हल्दी मंगी जांदा मेरे को। मेरा ख्याल है कि ये पागल है। यार पागल नहीं है, जरूरतमंद है। क्या जरूरतमंद है? जी कहने से तब्दीली आएगी, महंगाई खत्म होएगी, पानी तो आया नहीं थे। मुझसे क्या कह रहे हो? ये बात इमरान खान से कहो। हाँ जाओ जाके उन्होंने को मंगो, जेना तो मुंह तो चंडे बना के फिर दे सी, दे नो पानी इन्हें। हाँ ये भी पीटीआई की बड़ी बातें किया करता था। यार जिन्नी देर तक नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, इतना पानी की कमी आई नहीं। अच्छा इस अहमक को इतना नहीं पता कि जितनी वाहियातियां हमारे सर पे थोपी गई है ना, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर से ही है। चल छाड़ी यार, तू तो वैसे ही पागल आदमी है। हर दौर में हमें पागल कहा गया है, आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं। इतने को गार्ड गूड नहीं रखे? तुम देखते जाओ पाकिस्तान तमीर और तरक्की के नए दौर में दाखिल कैसे होता है। वाह वाह वाह, बेटा जबरदस्ती दाखिल ना कर, वो नहीं होना चाहता। पाकिस्तान बेचारा तो हाजी साहब दाखिल होना चाहता है, पाकिस्तानी नहीं दाखिल होना चाहते। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्यों उन्हें पटखान दे हो? अंडा कुछ नहीं कहना, उन्हें पीड़ा चुके मेरे सिर से मारना। क्या खूबसूरत बात की आफ्ताब साहब, क्या खूबसूरत बात की है। देखिए आप घोड़े को पानी तक लेकर आ सकते, उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। देखिए हमने तब्दीली का वादा किया था, वो हम पूरा करेंगे। कैसे? तब्दीली का मतलब है नक्शा, रोड मैप, रास्ता। अब इस पे चलना ना चलना कौन के ऊपर है, चले ना चले, कसमानू खाए। तुम्हें पता है जिन्हें जख्मी साहब ने? जख्मी साहब कौन? सीनियर सहाफी। हाँ जी। अखबार नहीं पढ़ रहा, जागो को लो डर रहा। चलिए आपकी वो जो अमाउंट इन्होंने देनी थी, एक 13 लाख। हाँ जी, 49,000 पेमेंट हो चुकी है। पूछ लो। ये झूठ बोलन दिया जनाब, जनाब किस्त हुई है? किस्त कितनी किस्त तय हुई? लाख रुपया? सर लाख तो बहुत ज्यादा, कोई घटाओ। क्या मतलब 75,000 होगी? तुझे तो बादशाह बंदे हो, थोड़ा थल्ले आओ। बताएं तो सही आज साहब, कितने पैसे वापस अब तक किए? यार पूछो, खुशहाल है कि नहीं, यकम नु किस्त मिल रही कि नहीं? कितने महीनों से मिल रही है? 5 महीने तो। चलो खैर, ये तो अच्छी बात है कि तवातर के साथ कम से कम मिल तो रहे हैं ना पैसे। यार इस मुल्क दे बेचना, सिर्फ 2 बंदे ने पैसे वापस लेने की गल की। वो कौन कौन है? एक तो हो गए तुम, दूसरा मलिक रियाज। वाह वाह वाह, यानी मलिक रियाज ने 405 अरब रुपए वापस करने का इंदिया दिया है। हाँ जी, हुण की होया? यार चूरन मिल जाएगा? चूरन? ओ साबुन मांग ला, चूरन ना यूज करी पुत्र। काका बैठ के नुकर जा, अगली चीज सोच। आफताब साहब, मैं तो नाले गल करनी थी। अच्छा ये बंदा भी वही है अभी। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जनाब, और सारे बकवास कर रहे हैं काम। यार अपने गाहकों के साथ तुम ये करते हो? और सर एदी कटिंग ते मेनू 2.5-3 दिन लगते है। तो जी एडा गिट्ठा नाई मैं पहली बार देखिया। ये हजूर कई अखबारों में काम कर चुके, 100 तो उत्ते अखबारा। अच्छा जी, आपने करियर का आगाज किस अखबार से किया था? जिम्मेदार तो किता जनाब, जिम्मेदार तो मौलाना जफर अली खान की। हाँ जी, अपना बहादुर शाह जफर अली खान जी। उसके बाद आप फिर किस अखबार में? फिर असि कोस्तान जाए, फिर चट्टान च काम किया, फिर चल सो चल, फिर एक दो कराची भी काम किया।
السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام اوئے حاجی صاحب ٹھیک ہو حالا بھی ٹھیک ہے کاکا اپنا نائی کتھے ہے جی ہاں نائی ہے اور اسی گیزر لوایا اے ودے کٹے چاول کھا کھا کے تگڑا ہو گیا ہے گا نائی ہے جی صاحب تانوں مبارک ہوئے میرے نال منڈا ہویا آہو پتر اللہ نے دیتا تیری تا کوئی اوقات نہیں اودی چھانڈ لوانی میں چھانڈ لا دینا لا دینا چلو چلیے ہٹ بڑا پارے ان نال جائیں تو مینوں لے جا ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈਂਡ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਸਾਫੀ ਆਪ ਝੰਡੇ ਹੀ ਉਤਾਰੇਂਗੇ ਦੇਖ ਕਿਸਾ ਐਮਕ ਹੈ ਮੁਝੇ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹੇ ਕੋ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਹੋਗਾ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਰੇ ਕੰਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਬਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਰਕਮਾਂ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੈਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਏ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਯਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਫਤਾਬ ਚਲੇ ਆਪਕੋ 5 ਕਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਬਕੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕਿਤਨੀ ਗਈ ਹੈ ਲੱਖ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖ ਜੀ 13.5 ਲੱਖ ਕੀ ਰਕਮ ਮੇ ਸੇ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਲੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਯਾਰ ਆਪਕੇ ਤਸੱਵਰ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਕਮ ਇਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲਾ ਇਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਆਮ ਮਾਫੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਸਾਥ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕੇ ਧਾਨੇ ਪੇ ਲਾ ਖੜਾ ਕੀਆ ਔਰ ਹਮ ਇੰਤਹਾਈ ਸਬਰ ਓ ਇਸਤਕਾਮਤ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਮਨ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੀ ਟਰਾਫੀ ਜੀਤੀ ਹੋਈ ਟਰਾਫੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕੀਜੀਏ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਇਨਕਾ ਕਾਮ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ ਇਨਕੀ ਉਸਕਾ ਢੋਲ ਹਮ ਪੀਟਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਕੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਔਰ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਕਾ ਸਾਥ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਬਹਰਾਨ ਮੋਰਲ ਨੋਈਅਤ ਕਾ ਹੈ ਯਹ ਮੋਰਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਕਾਨਮੀ ਸੇ ਯਹ ਕੈਸੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ ਅੰਤੜੀਓ ਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਰਾਮ ਜਾਤਾ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੇ ਹਮਾਲੀਆ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਖਿਲਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਨਤੀਜਾ ਇਮੋਰਲ ਔਰ ਡਿਸਆਨੈਸਟ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਇਸਕੋ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹਿਲੀ ਈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਰਿਵਾਜ ਪੜਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਲੋਕੋ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰਾਇਜ ਹੋ ਲੈਣੇ ਦੇ ਇਕਾਨਮੀ ਯੂੰ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਕਰ ਲੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੱਲਾ ਪੇ ਛੋੜ ਦੋ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ 13.5 ਲੱਖ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਬ ਕਾ ਆਪਨੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਇਸ ਕੌਮ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਕਹਿ ਰਹਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਮਈਸ਼ਤ ਰੂਬ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਬਜੁਸ ਚੰਦ 2-3 ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਨ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਕੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਹਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਬ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਰੋਲਿੰਗ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਅਰੋਮਾ ਆਈ ਕੈਨ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਦ ਅਰੋਮਾ ਆਫ ਰਿਆਲਸ ਐਂਡ ਡਾਲਰਸ ਮਤਲਬ ਉਸਮੇ ਹਮਾਰੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਕਾ ਹੋਗੀ ਮੁਫਤ ਕੇ ਡਾਲਰੋਂ ਔਰ ਮੁਫਤ ਕੇ ਰਿਆਲੋਂ ਪਰ ਹਮਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਚਲਨਾ ਘਾਸ ਖਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੁਫਤ ਕਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆ ਪੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਾਜਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਤੇ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸਕੇ ਸਾਏ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ
आपकी औलाद बैठेगी, उसकी औलाद बैठेगी। मुल्की हालात अच्छे नहीं, मैं ये मुंडा जाम बैठा। $30 अरब के मामलात नजर आ रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, यह कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं कहता हूं पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी सबसे बड़ी खुशबख्ती है, हमने उसको यूटिलाइज ही कभी नहीं किया। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये हमारे लिए नहीं, ये सऊदी अपने लिए कर रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये सी पैक चाइना आपकी मोहब्बत में मरा जा रहा है? अभी नहीं, उसकी अपनी जरूरत है। वेरी गुड। कतर और यूएई, ये कितने अरब डॉलर्स का मामला लगा? 15 अरब डॉलर की। 15 अरब डॉलर्स, ये कभी वहमो गुमान में भी नहीं था हमारे। पर हम तो मिलियंस गिना करते थे, कहां से $1 मिलियन, $2 मिलियन मिल जाएगा। देखिए, ये देखते जाइए तमाशा किस तरफ जा रहा है और ये क्यों हो रहा है कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान के बारे में दे दिया। ये सारे अमेरिका के दोस्त है ना। नहीं, फिर आपका एक ऑनेस्ट लीडर भी आ गया है। इसीलिए भैया, इसीलिए देखे तालिबान फिनोमेना। बस तो ये किताब भी है, द तालिबान फिनोमेनन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन द तालिबान इशू, और ये है जनरल कमाल मतीनुद्दीन की किताब। अच्छा, इमरान की और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि इमरान को एक जमाना था तालिबान के साथ लेबल किया जाता था, तालिबान खान कहा जाता, तालिबान खान कहा जाता था, ये ताना था। लेकिन आज देख लीजिए, उसके लिए प्लस पॉइंट बन रहा है कि तालिबान उसके साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं बात करने के लिए, और तालिबान को इग्नोर नहीं किया जा सकता था तो मजबूरन अमेरिका भी बात कर रहा है। उधर मास्को डायलॉग हो रहा था, कभी दोहा टॉक्स हो रही थी, कभी तो ये सारा कुछ अगर देखा जाए, इसे हकीकत में ट्रांसलेट किया जाए तो ये पाकिस्तान की खुशबख्ती की मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस हैं। देखना सिर्फ ये हमने कि इसको यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं। तो बढ़िया रौनका लगी है, की हाल है आजी साहब? की हाल है कासरिये? मैं क्या, मेरी गाल सुनो, एकी प्रेस बॉन्ड से पहला नंबर केड़ा लगा पला? तेनू किने दसिया मेरा ना खाजा साद रफीक है? मेरे अले फैसले दा की करना है जी। हाजी साहब, क्या किस्त है की इसने? लो जनाब, एदी पहली किस्त तो आ मैं टोपी लई सी, अगो आप ही हिसाब ला लो। 50,000 से भी कम है? और थले आ जाओ, 50 तो डायरेक्ट 1500 ते आ जाओ। यार सही सी बताओ। ए जनाब, मैंने 2000 मंथली दिंदा। मैं ते हाजी साहब नु क्या 100 रुपए रोज दा ले लो, कहंदे नहीं मैं 2000 महीना लेना है। यार वो 3000 बनता था हाजी साहब, आप पागल हैं। सर इस हिसाब से हाजी साहब को 56 साल लगेंगे अपनी रकम निकलवाते हुए। लो देखो हाजी साहब, हुन 56 साल तो तू सकदा ही नहीं जांदे। वो कैसे? सर रकम लाए बगैर हाजी साहब वर्गे बंदे मरदे ने भला? हां जी, अब तक 56। तुम एक देख की बात कर रही हो कौसरी आंटी। तेरे नेड़े ना ही, मैं तेन दसी उते कलो के गल कर। अच्छा, तेनू वेख के पुत्रदा है? असी जो अगे आएगा ना सानू लका लई। पागल जिहा दूसरिया हुंदा जा रहे। मेरा पुत्र मेरी गल याद रखना, मेरी कोई एक भी चीज टूट गई मैं थोड़े को कराउनी। अच्छा, सब तो पहले कुटना मेनू ही है। मैं तो हो जाना बेहोश। मैं बेहोश नहीं होना। अच्छा जी, बेहोश हो जाओ तो बहुता कुटना। वो क्यों? कहना मेरी गल नहीं सुनी। ये बेहोश बंदियां नू ये कतल कर चुकिया। एक बेहोश ते नू वेख के दौड़ गया सी कतल होन तो बाद। नहीं तो सिर उत्ते चढ़ गया है। नहीं, सिर उदे हाथ च। कभी ना रात मिलते हैं का ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कभी ना रात हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और आज की डिस्कशन में अब्दुर रहमान साहब, ऑब्वियसली ये जो सिलसिला चल रहा है, और सर इस पे आज फिर कैफी साहब तिल मिला रहे हैं। कैफी साहब की छेड़ नहीं पड़ गई ये इंडिया पाकिस्तान चपकलिश? सर बात ये है कि जो इंडिया हरकतें करता फिर रहा है, क्या ये दुरुस्त है? और ऊपर से हम एक जंगी कैदी को भी रिहा कर दिया। आपको दुख ज्यादा इंडियन हरकतों पे है या जंगी कैदी की रिहाई पे? दोनों पे ही है सर वैसे तो। इंडिया ये हरकतें नहीं कर रहा, याद रखिए। ये सिर्फ मोदी और उनका हिफाजती टोला जिसने अपने हिसार में ले रखा है ना, उस बेचारे की अकल पे पर्दा डाल दिया। और दूसरा वो जो फुदकने वाले एंकर्स हैं, पूरा इंडिया जो है ना उसको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। ये इंडियन विजडम है मैं समझता हूं, जिन्होंने इसको कंडेम करना शुरू कर दिया। बाय द आवर
आप देखिए जो ट्रेंड बन रहा है, और ये बड़ी सेहतमंद बात है। अब उन्होंने जो किया, अब हम बार बार एक ही बात दोहराते चले जा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से जो जिल्लत लिखी होती है ना, वो मिल के रहती है चाहे कुछ हो जाए। मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी हमाकत मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने की हमारे साथ खामखा का गैर जरूरी पंगा लेकर, ये बनता नहीं था। अगर बनता हो ना कोई, तो आपको थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन इधर से भी मिल जाती, क्योंकि ऐसे हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट्स जो भारतीय ट्यून पर नाचने के लिए बेताब रहते हैं, वो भी चुप है बेचारे। अच्छा मैं हैरान हूं, हुसैन अकानी साहब खामोश है। बाज लोगों की एब्सेंस उन्हें ज्यादा कंस्पिकुअस कर देती है। सर मौसूफ पहले भी एक्टिव हुए थे जब जैश मोहम्मद का नाम आया था। जी जी, वो मोहल्ले का एड्रेस भी बताना शुरू हो गए कि भावलपुर जाइए, वहां पर एक फलां जगह है, वहां पर जैश मोहम्मद, जैसे आपको बड़ा पता है। जाने दें यार, ऐसे खाम खा आपको भी पता है कि जैश मोहम्मद ओन ही नहीं कर रही। हाँ जी, ये जैश मोहम्मद इंटरनेट की है जिसने इसको ओन किया है, और इसी तरह इंटरनेट पे लातदाद लोग मौजूद हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि आप उसको मिसाल बना के कहें कि देखिए जनाब, जैसे ये एक किसी की जहालत चेक करनी हो ना आपने, किसी की कमिलमी चेक करें, जहालत बड़ा सख्त लफ्ज है, कमिलमी या मासूमियत, उसे पूछा आपने कहां पढ़ा है, नो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा। वो इंटरनेट पे तो कोई उसका माई बाप ही नहीं होता यार, आप एक चीज फेंक के गायब हो जाते हैं। और वैसे तो इस मामले में इसराइल का नाम भी आ रहा है, उसने भी इंडिया को हलाशेरी दी है। अब वो जिसने भी दी है हलाशेरी, जो भी हुआ है, उसने पहम जिल्लत का सामान किया है इंडियंस के लिए, जिसका सेहरा मैं समझता हूं मोदी साहब के सर है। और खाम खाक की बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर मेहनत के गुड्डी चढ़ गई है इमरान खान की। हाँ जी, बल्कि नोबेल पीस प्राइज की बातें शुरू हो चुकी हैं, अमरीकी कहना शुरू हो गया कि ओबामा तो खाम खा ले गया, ये इमरान खान को मिलना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल मामूली सी एक गुडविल जेस्चर है कि आपने कैदी वापस कर दिया, एक बात। दूसरा, आपने जंग को कंट्रोल किया, अपने बुर्दवारी का मुजाहरा किया। ये एक बहुत बड़ा काम अगर देखा जाए तो नहीं, ये स्टेट्समैन से, एक अच्छे लीडर से जो मिनिमम एक्सपेक्टेड होता है वो यही होता है। अटल बिहारी वाजपेयी होते, अगर उधर मनमोहन सिंह होते, वो भी यही करते। लेकिन अगर आप एक चीज पे गौर कर लेना कि इमरान खान ने अवॉइड क्या किया, अगर हालात की गंभीरता को एक लम्हे के लिए आप गेज कर सकते, जज कर सकते, फोरसी कर सकते, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर बड़ा मुल्क, हर बड़ा कॉन्टिनेंट इमरान खान को एक एक दर्जन नोबेल पीस प्राइज देने के लिए तैयार होता और हाथ भी जोड़ता साथ कि भाई आपकी लड़ाई में हम खाम खा बिस्तोख्वार हो जाते। तो ये बहरहाल अगर ये ट्रेंड बनता है तो इमरान डिजर्व करता है। आतिश फिशां के धाने पर था बरे सगीर पूरा, और इस वक्त जो वो काम कर गया है हमारा लीडर इमरान खान, मैं समझता हूँ उसको हैट्स ऑफ। वैसे सर आखिरी गेंद पे छक्का मार के मैच जीत लिया उन्हें। नहीं, ये आखिरी गेंद पे छक्का जो है ना, ये मैच विनिंग नहीं था। मैच आप उसी वक्त जीत गए थे जब आपने पहला छक्का मारा था। वो किधों से? जब आपने रिटेलिएट नहीं किया फौरन, जब इन्होंने आपके तीन कीमती दरख्त तबाह किए, 1000 kg पे लोड फेंका, तो अगर आप भी मूछों को ताव देकर पीछे भागते तो वो मकाम था जहां मैच हार जाते। उसने बुर्दवारी का मुजाहरा किया, उसने एक हल्की सी स्माइल दी जिसे सैटेनिक स्माइल कहा जा रहा है इस वक्त, हल्की सी स्माइल देकर उसने कहा था कि इसका सरप्राइज देंगे। वी विल चूज प्लेस एंड टाइम। तो वो टाइम एंड स्पेस का इंतखाब जो है वो दूसरा छक्का था, उसकी डिटेल्स तो भी आते आते आएंगी। विनिंग छक्का वैसे वही था सर, विनिंग छक्का पहला ही था जब उसने रिटेलिएट नहीं किया था। उसके बाद तो फिर उसने तहस नहस कर दिया ना, जो सुबह 11:15 जो वाकया हुआ, जो मामलात हुए। ये आखिरी गेंद पर आपको एक या दो, एक सिंगल भी ले लेते तो मैच आप जीत चुके थे। ये जरा उसने छक्का मार के ग्लोरीफाई कर दिया इस पूरी सिचुएशन को। और सबसे बढ़कर ये कि पायलट पकड़ा गया, और पायलट को जो छोड़ना है ना, ये मैच के बाद, यानी आपने ट्रॉफी जाकर विराट कोहली को पकड़ा दी कि भाई तुम भी तस्वीरें उतरवाओ, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे बीजेपी भी खूब एक्सपोज हुई है इस मामले में। जो वो एक साहब हैं जो लगातार 22 सीटें, 28 में से 22 सीटें
करते चले जा रहे हैं, क्या नाकबत अंदेशी है। यह है तुम्हारी विजडम। वो कर्नाटका का इलेक्शन तुम्हें और ज्यादा एक्सपोज कर गया कि असल में इलेक्शन जीतने के लिए अपने फौजी जवानों के खून से होली खेल रहा है ये टोला। और अब मैं गुजारिश करूंगा वो फुदकबाज एंकर से कि उछल उछल के, वो क्या खूबसूरत किसी ने बात की कि तीन तीन फुट की लड़कियां छः छः फुट की जंप कर रही हैं। और वो अर्नाब गोस्वामी उसको हमने एक दफा गोस्वामी गो में बड़ा याद किया था, वो भी बहुत दुखी होगा। गोस्वामी साहब, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, यकीन कीजिए टिचकर नहीं कर रहे, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि नविश्ता दीवार पढ़िए, ये क्रिकेट में लड़ा करें, लड़ाई झगड़ा अगर करना है, कबड्डी में भी आप हमारी टीम को हराते हैं, अक्सर हराते हैं, वो भी सरदार साहबान का शुक्रिया अदा करें जिनकी वजह से आप जीतते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई मामला कोई नहीं है। फिल्म मेकिंग में मैं बहुत कदर करता हूँ आपकी, आप बहुत आगे हैं। ये जो जंग है ना, ये जो युद्ध है, और ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर है, इसको मजाक मत समझिए, इसको ईजी मत लें, ये बहुत खतरनाक बात है। और इमरान खान ने सबसे खूबसूरत बात पिछले 72 घंटों में शायद ये की है कि अगर ये मामला हाथ से निकल गया तो फिर इसे ना मैं रोक सकूंगा ना नरेंद्र मोदी। मुझे तो यूं लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो मीडिया पॉलिसी है, वो दिल्ली में नहीं बनती, वो बॉम्बे से आती है और उसे बनाता बॉलीवुड है। और सर डायरेक्टर भी कोई निहायत फजूल किस्म का है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का डायरेक्टर हो विजय कृष्णाचार्य। मेरा ख्याल है विजय कृष्णाचार्य को ना डिस्कस कर ले। सर वो तो फिर हमें धूम 3 भी डिस्कस करनी पड़ेगी। वो भी इसी की थी जी। जी सर, तुसी पहले भी ओदी बहुत कीती है। वो मैं कहता हूं ना, वंस एन इडियट ऑलवेज एन इडियट। अफसोस के एक बात की तरफ ध्यान नहीं किसी का गया कि इंडिया और अमेरिका को एक बहुत बड़ा एज था। मैं अमेरिका पर बहुत रश किया करता था, मैं जितनी देर वहां रहा उसके बारे में लिखा पढ़ा, हमेशा रश की किया कि एक चीज थी द फेमस अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम था कि यहां पे फ्रीडम है, लिबर्टी है, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहें सही, फिर देखिए पूरा माशरा, पूरी कौम, पूरा सिस्टम आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। जैसे यहां पर इसका उलट है, आप कुछ करना चाहें तमाम कुवतें, और मैं समझता हूं तागुती कुवतें इस माशरे की आपके पीछे आके खड़ी हो जाएंगी, खबरदार अगर कामयाब हुए तो। अगर हम नहीं हुए तो तुम कैसे हो सकते हो, हमने तुम्हें कामयाब नहीं होने देना। अमेरिका में इसका बरक्स था, लेकिन जब से 9/11 हुआ है, मैं समझता हूं कि अमेरिकन ड्रीम हैज बिकम द अमेरिकन नाइटमेयर। और उसी तरह ही इंडिया का एक बहुत बड़ा स्लोगन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म था। अब सेक्युलरिज्म ना कि भाई तुम्हारा मजहब तुम्हारा है, मेरा मेरा है, आओ इकट्ठे रहें और हम सदियों से रहते रहें, ये चंद बेवकूफों ने आकर बीच में रखना अंदाजी को, वो तो यही कहते हैं ना, आपकी तहरीक आजादी को मुसलमानों के साथ जब क्लब करते हैं और टू नेशन थियरिस्ट्स के साथ करके इनकी नफी करते हैं। इंदिरा गांधी तो कह भी चुकी है कि हमने टू नेशन थियरी खलीज बंगाल में डुबो के रख दी है जिस दिन ढाका फॉल हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज उससे हाथ धो बैठा इंडिया। और उधर ट्रंप साहब है और इधर हमारे मोदी साहब, और दोनों ने इतना नुकसान पहुंचाया अपनी अपनी कौम का कि इसके तमाम दुश्मन यकजा होकर 100 साल में भी वो नुकसान नहीं कर सकते। मैं बहुत रिजर्वेशंस रखता हूं मोदी साहब के खिलाफ, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक शख्स अपने इक्तदार को तूल देने के लिए इस हद तक उतर आएगा। सर लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो यही है, 2002 से अब शुरू हो जाएं। वो तो बुचर ऑफ गुजरात के दिनों में एक चीज थी कि उस वक्त के वो मुख्यमंत्री थे, अब तो प्रधानमंत्री हैं भाई। चीफ मिनिस्टर में और प्राइम मिनिस्टर में बड़ा फर्क होता है, अब तो आप फादर फिगर हो जाते हैं, अब अपने ही बच्चों को मरवाएंगे। राज ठाकरे जैसा इंतहा पसंद शख्स, वो कहता है कि आप अभी जरा थोड़ी सी तहकीकात करवा कर देख रहे हैं। उसने अजीत धवल का जिक्र किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को शामिल तफ्तीश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पुलवामा में हुआ क्या था। और अगर इन्होंने इनिशिएट नहीं भी किया तो
اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ را نے دو ہفتے پہلے اطلاع دے دی تھی. جی آپ نے نیسیسری میجرز کیوں نہیں لیے؟ آپ کا خیال تھا ہم تو ون ون پوزیشن میں ہیں, نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے, ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے. ہمیں جس طرح تنہا کرنے کی کوشش کی گئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, وہ اس پہ ناکام ہو گیا ہے, بری طرح ناکام ہوا ہے. اور ان کا اپنا میڈیا صبح شام, اس موضوع پر آپ دور مت جائیے. آپ محبوبہ مفتی کا جواب, حالانکہ یہ رجت شرما ہے ان کا نام, جی سر رجت شرما, وہ حضرت صاحب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے انہیں فلاپ کرنے, پریشان کرنے, تاکہ ان کا وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو کسی طرح. اور ساری آڈینس ساتھ ملی ہوئی تھی, آڈینس ساری شرما کی اپنی تھی, جی پلانٹڈ آڈینس تھی, اور آرمی کے لوگ تھے, انڈین آرمی کے. لیکن اس کے باوجود آفرین ہے اس خاتون کی آرٹیکولیشن پر کہ اتنی ڈسٹربنس کے باوجود, ہوٹ ہونے کے باوجود اس نے بتا دیا کہ آئسولیٹ آپ ہوئے ہیں یا انڈیا ہوا ہے. پھر ان کے سابق جرنیل دیکھ لیں, اسے پوچھتے ہیں تو کیا کل پرسوں میں, مجھے یاد نام نہیں پتا وہ صاحب کون تھے, لیکن بہت خوبصورت جواب تھا ان کا. یہ نہیں کہ ہمیں سوٹ کرتا, یہ حقیقت تھی. وہ تھا کہ کیا جموں اور کشمیر کو ہم پھر کھو دیں گے؟ انہوں نے کہا کھو دیں گے کیا بھائی, تم کھو چکے ہو. اور واقعی اس وقت جو صورتحال ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ہماری دوری کا فیض ہے. آج پاکستان نے اپنا دست شفقت جب سے اٹھایا ہے نا کشمیریوں کے سر سے, فزیکل فزیکل, تو کشمیریوں میں جان آ گئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک, تو پھر بہتر ہے کہ پاکستان صرف مورل سپورٹ ہی دیتا رہے. قدین حضرات ویل ٹیک اے بریک, سٹے ود اس, ویلکم بیک. قدین حضرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے عثمان بزدار اور ان کے ایک بیوروکریٹ ساتھی کے ساتھ. اچھا جی, اس سے پہلے کہ آپ لب کشائی کریں, ایک چھوٹا سا پیکج خواتین حضرات پیش خدمت ہے جو ڈمی میوزیم نے بڑی محنت سے بنا کر ہمیں بھیجا ہے. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ مجھے ان سے بات کرنے دیں نا, آپ ان کے ماتحت ہیں. کیوں جی؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ماتحت ہوں, آپ کیا کہ نہیں, اٹھیں اور بتائیں. اچھا یہ پیچھے کون کھڑے ہیں؟ میں سر بیوروکریٹس ہوں. سر یہ ان کے کلاس فیلو ہیں, بیوروکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا کلاس فیلو ہیں آپ؟ جی جی. کہاں, بہت دن ذکری ہے یونیورسٹی کے؟ نہیں سر, پرائمری اسکول تونسا شریف. اچھا پرائمری اسکول توسا میں آپ ان کے ساتھ پڑھتے تھے؟ جی جی. جناب کی دسیے تانو, گرمیاں چ خربوزے ہونے تے سردیاں چ خرگوش. تو آپ بول کس طرح رہے ہیں؟ میں جناب اتھوں لاہور آ گیا سا نا کاروبار دے سلسلے چ. ہاں جی سیلاب آیا سی لاہور آ گیا. توسا کا سیلاب آگے جاتا ہے, لاہور پیچھے ہے. سیلاب نے لاہور چھڈ کے پھر واپس. رکشہ وجہ انہوں نے کہا لاہور لے جاؤ انہیں. یار وزیر اعلیٰ کو بولنے دے. چھڑو پرا جی, یہ ادو بھی نہیں تھی بولتا, بہت نفیس تے مسوم آدمی جی. یار ویسے یہ چیز ہے جس پر میں فریفتہ ہوتا ہوں نا, جس پر واقعی مجھے عثمان بزدار پہ بڑا پیار آتا ہے کہ بہت معصوم, معصوم ہے نہیں لیکن سادہ. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کے پاس ایک روڈ وزیر اعلیٰ ہی ہو جس طرح شہباز شریف تھے, یا بڑے کلینش اور کایا قسم کے وزیر اعلیٰ جس طرح پرویز الہی تھے. لیکن سر سادہ وزیر اعلیٰ تو غلام حیدر بھائی بھی تھے. لیکن غلام حیدر بھائی کا ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا, وہ تو استادوں کے استاد تھے. سارے بھی سیکھ جان گے ہولی ہولی, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں سیکھ سکتے پاجی, بہت سادے تھے. اپنی گڈی جو اترتے لگتا ہوں رکشا کراؤن لگے. سی ایم ہاؤس نہیں ہے جی, مار روڈ تے 90 اشارہ قائد اعظم. ہاں جی چیئرنگ کراس پہ. اوتھے جاندے جاندے واپتا اس بڑھ جاندے نے, اکثر الفلا تھیٹر بڑھ جاندے نے. اوتھے تارک ٹینڈن کہہ دیندے ہور سپیکر صاحب کی حال ہے. ایک دن تو چڑیا گھر وڑ گئے, باندر نے پوچھ رہے تھے کچھ کہتے نہیں, پھر تو دسی کوئی شکایت.
मैं जानना चाहता हूं कि ये जो इनके प्राइमरी के क्लास फेलो हैं जी जी, इन्हें क्यों बुलाया गया चीफ मिनिस्टर हाउस में, ये क्या कर रहे हैं? जनाब जो चीफ मिनिस्टर बने ने इन्होंने तमाम इंटेलिजेंट दोस्तों इकट्ठा कर लिया। अच्छा तो आपको फिर क्यों किया? तो सर आप भी को बात करेंगे। अच्छा आंखें निस्बतन बंद कीजिए थोड़ी सी। अच्छा लगता दोनों जने ना इन वजीर आलम नु दम कराउन ले आए। इन्हां दे क्लास फेलो ने पिछले यकीन करो जो स्कूले जाना अद्धी छुट्टी होनी रोटी करो लेके आंदे सन पूरी क्लास असीं ना लड़की रोटी खांदे सन और की मजा आंदे। अच्छा वजीर आला साहब सादे ने वो पिछला जड़ा ना बकवास कर रहे और ये बना हुआ है उनका पोलिटिकल सेक्रेटरी उनका इंटरप्रेटर। यार क्या कैसे कैसे आइटम्स इकट्ठे किए हुए आपने जनाब? तो जनाब बड़ी चीज होती है। आप मेहरबानी किया करें तमाम बातें शहबाज गिल को करने दिया करें, वाहिद मकूल आदमी है। लेकिन ट्रेजेडी ये कि वो एब्सेंटी है, वो यहाँ का है ही नहीं, वो अमेरिका से आया मिशिगन से गालबन, पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी हैंड पिक्ड बाय इमरान खान, लेकिन वो यहाँ के सियासी मामलात को यहाँ के मक्कार ब्यूरोक्रेसी को चालाक सियासी लोगों को और खतरनाक मीडिया को अभी समझ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और वो सीधे तरीके से कर रहा था। मैंने गुजारिश की कि भाई ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा जरा ध्यान से, लेकिन अकेला शहबाज गिल क्या करे अगर डिलीवरी का आलम यह है। और दूसरा बदकिस्मती हर तीसरे दिन कोई ना कोई वाक्या हो जाता है। अब ये जो साहिवाल वाला वाक्या था खाम खा बैल मुझे मार, इस कदर मायूस किया सर इन्होंने कि कोई एक्शन नहीं लिया और सिर्फ देखते रहिए रिपोर्ट आएगी तो कुछ करेंगे, रिपोर्ट आएगी कुछ करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी एक दिन जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि जब टेररिज्म के मामलात होते हैं ना तो उसका कोलैटरल डैमेज होना ही होना होता है। इस पर जिस चीज पे हमें परेशान और दुखी और शर्मिंदा होना चाहिए वो नॉन प्रोफेशनलिज्म है। काम उन्होंने ठीक ही किया था जब इत्तलात सारी, मतलब इत्तलात ही पीछे से यही थी तो फिर वो क्या करते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया सिचुएशन को वो इंतहाई भौंडी और बेहुदा थी। और फोरेंसिक लैब वाले कह रहे हैं कि पुलिस ये दो नंबरी कर रही है कि बंदूक की नालियां चेंज की हैं, उनके ट्रिगर चेंज किए गए हैं ताकि फोरेंसिक में पकड़ा ना जाए कि कौन सी बंदूक इस्तेमाल हुई है, और इवन असला चेंज किया गया। हालांकि खुल खुला के उन्हें कहना चाहिए था जी हमें खबर गलत मिली थी। हाँ जी, एक लम्हे के लिए तस्वर करें कि इसमें टेररिस्ट बैठा होता, एक लम्हे के लिए तस्वर कर लें तो हम उसी लम्हे का शिकार हो गए। हमारे में इतनी सेंस नहीं थी कि हम, और हालांकि बच्चे बच्चे को पता है कि उसके चारों टायर तुम फाड़ देते। हाँ जी, गाड़ी एक साइड पे खड़ी हो जाती, आप उधर से भी इधर से भी ब्लॉक कर देते। लेकिन ये सारे वो मुक्के हैं जो लड़ाई के बाद याद आते हैं और वो मुक्के फिर अपने मुंह पे मार लेने चाहिए। सर वजीर आला साहब दे नाल है मोहतरमा कौन ने? ये ब्यूरोक्रेट है। ऐसे उन्होंने दे दोस्त ज्यादा इंटेलिजेंट ने जेडे पीछे खलोते। बुलेट प्रूफ गड्डी दीती है फिर डाले च बैग। अच्छा ब्यूरोक्रेट से ही पूछते हैं फिर, ये तो बोल नहीं रहे। आपके ऊपर इल्जाम है कि आप हुकूमत को नाकाम करने का तहिया कर बैठे हैं। सर हमारे साथ कोई पंगा करेगा तो फिर ये तो होगा। सर वैसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इनके बारे में? मैं समझा नहीं क्या मतलब। सर आप किस बिना पे कहते हैं कि ये डिलीवर नहीं करेंगे? मैंने देखा है कि इनके विचार बहुत उम्दा है, मैं इनसे मिल चुका हूं। एक दफा जब नॉमिनेट हुए थे तो आपको याद है अल्फ उठाने से एक दिन पहले हमारे सेट पे तशरीफ ले आए थे, फिर मैं सीएम हाउस में एक दफा इनसे मुलाकात की सआदत हासिल कर चुका हूं काफी तफसीली। मैंने देखा है कि इनके आइडियाज, इनकी सोच, इनकी एनर्जी और इनका इरादा बेहद पुख्ता है। मतलब मैं जब निकला था ना सीएम हाउस से तो मैं ये सोच के आया था कि जितना दबंग और साबित कदम ये शख्स है अगले 36 घंटों में बहुत कुछ, बहुत सी खबरें मैं सुनूंगा। जीरो, बमुश्किल 10% डिलीवरी। वो जो बातें, जो मामला, जो अपने अजायम का इजहार कर, मसलन एक प्रेजेंटेशन इन्होंने देनी थी प्राइम मिनिस्टर को तो उसमें इन्होंने कहा कि आप मुझे गाइड करें। मैंने कहा जी हम आपको गाइड क्या करेंगे, हम आपको बहुत सारा मटेरियल फराहम कर देंगे। मतलब अभी तक आपने उसका थीम क्या तैयार किया जी? मुझे नहीं पता। मैं कहा चले हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि वजीर आला को यह भी पता हो और वो भी नौआमोज वजीर आला को। अगर यहां पर होता ना परवेज इलाही
उसे तो ये थीम भी पता है कि जलजला आए तो एक थीमेटिक कैंपेन कैसी होनी चाहिए, अगर सैलाब आए तो क्या है, अगर 1122 आपने राइज करना है तो उस पर क्या अंदाज होना चाहिए। लाइंस याद है कि बात तो एहसास की है, ये टैग लाइन थी, बात तो एहसास की है, आज भी याद है। सर जिस दिन वजीर आला साहब साढ़े सैट से आए सन, उस दिन भी इंजी लग रहे थे कमेटी लैन आए ये तो साढ़े सैट से हलफ चुकन लगे, मैं कह रखो सर मूड आए। अच्छा जी, हमारी को-होस्ट को बात करना चाहती। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने खवातीन के लिए क्या किया है? बीबी आप देखिए, हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो जी इन्होंने फिल्म बनानी है। केड़ी? पंजाब नहीं चलाऊंगी। फिल्म इंडस्ट्री के पिछे ज्यादा रेलवे के वजीर पेंदे रहे हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के पिछे नहीं, वो फिल्म स्टार इंडस्ट्री के पिछे। उस वक्त वो रेलवे के वजीर नहीं, कल्चर के वजीर होते थे। ये कल्चर उन्होंने फरोख दिया था। नहीं, मतलब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा होगा कि बेजरर से तो है ये, इन्होंने ज्यादा ज्यादा क्या बिगाड़ लेना। जाए फिर ये एक जगह पे चीफ गेस्ट है। किस जगह पे चीफ गेस्ट है? इन्होंने कबड्डी का इफ्तिताह कर रहा है फलवान चपेड़ा मार के। अच्छा जी, पंजाब में वैसे तो बेशुमार वजरा हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, मसलन इनका वजीर तालीम, इनके दोनों वजरा तालीम राज साहब और दूसरे राजा साहब, यासर हमायूं साहब, यासर हमायूं, बोथ आर एक्सलेंट। फिर हाफिज अम्मार यासर, वो नाराज थे, वो आजकल ठीक हुए हैं कि नहीं? सर एक मिनिस्ट्री लेकर खुश हो गई काफ लीग। फिर मियां असलम इकबाल, वो भी डिलीवर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। राशिद साहिबा, यास्मीन साहिबा भी डिलीवर कर रही हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह कि ये सारे के सारे जिनके हमने नाम लिए, ये वजारत आला के कैंडिडेट्स थे। अभी शुक्र करें एक कम हो गया, क्योंकि सबका सरख्याल जो था वो अलीम खान था। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे ने असी नैब नू होर मजबूत करना है। हाँ जी, इन्होंने नैब नू अलीम खान से होर मजबूत करना है। अलीम खान ही अब इनका इरादा होगा, किसी और को भेजे। अब क्या कहा है? जनाबे कह रहे ने परवेज लाई दी बारी आना लिए। ये गुफ्तगू किस तरफ चल निकली है? कोई संजीदा, कोई सेंसिबल बात? सर हालात बेहतर होने हैं कि वो ठीक कह रहा है पंजाब नहीं चलाऊंगी, वो कुछ तो बोले। ये अक के बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। मुझे लगता है किसी दिन इमरान खान बोल पड़ेगा। और सर सुना है खान साहब निजी महफिलों में कह भी रहे हैं कि यार मैं जिन्ना तेन सपोर्ट करना सी कर लिया, खुद भी कुछ कर। खान साहब ने इन्हें पंजाबी सीखी। ऐसे चीफ मिनिस्टर केपी के तो खूब लत्ते लिए उन्होंने। वो वक्त मुझे तो बहुत करीब करीब तर होता दिखाई दे रहा है कि किसी भी दिन कर्टन लेक्चर तो इन्हें मिलता होगा। अच्छा, आईजी के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया आपने? ओ जनाब, असल इन्होंने लाई थी ना, वो मेरी लाई थी, और मेरी नजर दी एनक थी, इसलिए नजर ही नहीं आया। नहीं, आईजी 6 फुट का, वो नजर नहीं आया। जिस बंदे ने चंद साल पहले तक कराची ना देखा हो, उसको ये सैल्यूटेशंस और प्रोटोकॉल्स उसकी इतनी जल्दी कहां समझ आती? यार कराची तो बहुत दूर की बात है। एक बड़ी दिलचस्प, मैंने चंद दिन पहले तस्करा किया था उस मीम का, वो जिस दिन करतारपुर वाला फंक्शन था ना, अब सिद्धू पाजी को बगौर देख रहे हैं मौसूफ। तो ये बड़े शरारती होते हैं जो मीम्स वाले, बड़े क्रिएटिव होते हैं। नीचे लिखा, जिंदगी में पहली दफा एक सिख को देखकर हैरान होते हुए वजीर आला पंजाब का पोज। अच्छा जी, प्रोटोकॉल आपका भी 25-30 गाड़ियों वाला है, ऐसी क्या बात है? फिर आप शबाशरी वाला काम ही शुरू कर दें। सर शुरू शुरू से जो पीछे प्रोटोकॉल दी गड्डियां है ना, पूछने लग गए सी पीछे क्यों लगे ने। अपने अफसर को कहने से ऐसी बड़े दिन गए। अच्छा, बाज लोग जो इनके बड़े चाहने वाले हैं, जो इनके वोटर्स हैं, वो बहुत नाराज होते हैं कि भाई आप उनकी सादगी का मजाक उड़ाते हैं। हम इनकी सादगी का मजाक नहीं उड़ाते, इनकी अदम दिलचस्पी या ना अहली का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अब तक की परफॉर्मेंस से यही लगता है कि इमरान खान का फैसला गलत था। अच्छा, मुस्कुराहट बदस्तूर जारी है। आप भी शुरू से ऐसे ही हैं जनाब? असल साढ़े तो पढ़िया लिखिया तेतराद आदमी थी है, असी तरह पीछे रह गए। माशाल्लाह, यानी तुम इनसे भी पीछे रह गए? तू तो फिर बहुत पीछे है यार। अरे आप क्यों इतने सादे हैं सर? असल में इनका कसूर भी नहीं, इनसे पहले जो वजीर आला था ना, वो बहुत डाडा था। हमें आदत होगी कि थोड़ा सा, चलो रूड नहीं तो थोड़ा सा चौकस हो,
चौकस ही हो, एरोगेंट ही हो। मतलब मैं हरगिज हरगिज नहीं कहना चाह रहा कि असलम इकबाल होता तो बहुत बेहतर होता। असलम इकबाल जैसा, अलीम खान जैसा, सुभान अल्लाह, अगर शाह महमूद कुरैशी होता वो तो चार चांद लगा देता। उससे और कुछ नहीं होना था, कम से कम ये नहीं हो सकता था कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और आपके कोलीग्स, आपकी अपोजिशन आपको ब्लैकमेल करे, आपको बाईपास करे, और ये चार पांच जो होपफुल्स हैं वो ना होते। अब भी बहुत से लोग इंतजार में हैं कि किस दिन इमरान खान का पारा चढ़ा तो फौरी तौर पर उस जगह पर मौजूद होना जरूरी है। और मैं देख रहा हूं तो इनकी रिप्लेसमेंट या लाहौर से होगी या चकवाल से। सर ये चकवाल वाली बात सस्पेंस डाल दिया आपने। लाहौर का सस्पेंस नहीं तुम्हें याद? मजे की बात है, लाहौर में भी दो तीन होपफुल्स हैं, चकवाल में भी दो तीन है। चकवाल में कौन? अब चकवाल में सबसे बड़ा होपफुल तो पहलवान रेवड़ियां वाला। यार मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, तुम भी इन जैसे ही हो। सर दूसरा? दूसरा काफलीगी है, हाफिज अमार यासर। कल को जब जूतम पेजार होना है इन्होंने आपस में, और वजारत उज़्मा भी किसी को नहीं देनी, तो फिर वजारत आला देनी पड़ेगी। और अगर देनी पड़ गई तो हाफिज अमार यासर काफ लीग में माकूल तरीन कैंडिडेट है। ओ मकूल है। नहीं तो क्या है उन्हें? अरे जो ओ मकूल है तो या फिर रॉबर्ट डी नीरो होएगा। ओ भाई बुजदार को भज नस कर ला, को अचानक अस्पताल च वड़ जाया कर। हाँ ये ठीक है, अचानक हॉस्पिटल में जाए, चिकड़ च वड़ गया, बूट छापे मारे कीचड़ में, जाने में कोई हर्ज नहीं। बाजार से अच्छे लंबे बूट ले लें। इधर कुछ अपने भी है ना सर? आप तो लगता है बाकायदा मजजूब है, पागल है। आप इन्हू कह रहे हो कि मैनू? दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ ना से।